नमस्कार। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है नए साल में घूमने आओ ना, जिसको लिखा है आशीष त्रिपाठी जी ने और मैं हूँ आपके साथ गायत्री। तो आइए आज की कहानी मैं सुनाती हूँ, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पिछले वर्ष का वाक्य है, फेसबुक पर शुभकामनाओं का दौर शुरू हुआ तो मन में इच्छा जगी कि जिन मित्रों से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिल सकता हूँ उन तक पहुँचूँ, कुछ हालचाल हो, चाय पानी का दौर चले। एक मित्र हैं जो मुझे अक्सर अपने गृह नगर आने, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने हेतु आमंत्रित करते रहते थे। अतः पक्का निश्चय कर लिया कि नव वर्ष का सूर्य मित्र के शहर में ही देखेंगे। फोन पर उन्हें इसकी सूचना दी तो बेचारे खुशी से फूले न समाए। उनका बस चलता तो उस वक्त मोबाइल से ही मुझे खींचकर अपने घर बिठा लेते। कॉल समाप्त होने से पहले ही उनकी हिदायत मुझे अब भी याद है, सर मेरे यहाँ आ रहे हैं तो आप मेरी जिम्मेदारी हो गए, खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत करिएगा, बस शरीर लेकर आ जाइएगा। खैर, दो दिन बाद मैं उनके शहर पहुंच गया। मित्र ने बताया था कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी हाथ में मेरे नाम की तख्ती लिए खड़ा मिलेगा। मैं स्टेशन के बाहर दूर दूर तक ढूंढ आया लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। थक कर फ़ोन मिलाया, हाँ सर हम पहुंच गए, तो नाश्ता कीजिए सर। हाँ 60 किलो, अब दूसरा ला दो। मित्र किसी कार्य में व्यस्त मालूम हो रहे थे। सर हम स्टेशन पर हैं, यहाँ नाश्ता कैसे, क्या मतलब? अभी स्टेशन पर हैं, राजकुमार जी ने गाड़ी नहीं भिजवाई, नाश्ता नहीं करवाया? मित्र आवाज़ से गुस्से में लग रहे थे। नहीं सर, आप बिल्कुल मत घबराइए सर, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। नाक के सिद में आपको क्या दिख रहा है? लोगों और गाड़ियों की भीड़। चलिए अच्छी बात है, अब भीड़ का हिस्सा न बनते हुए सामने वाली सड़क पर बाएं घूमकर आगे बढ़ते रहिए। चल भाग साले। जी लास्ट वाली बात आपके लिए नहीं थी, आप आगे बढ़ना शुरू किए या नहीं? जी बढ़ रहा हूँ, मेरा कहना था कि फ़ोन कट गया। मित्र के कहे अनुसार सड़क पर आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, कॉपरेटिव बाबू से मिलने आप ही को जाना है? हाँ भाई, तो आइए लपक कर ट्रॉली पर चढ़ जाइए और देखते रहिएगा कि धान का एक को बोरा गिरे नहीं। मैं चढ़ गया, ट्रॉली पर लदे बोरों के ऊपर बैठा। मैं ठंड से कांपने लगा था। 2 घंटे की हाड़ कपाऊ यात्रा के बाद लगभग 4 बजे मैं एक धान खरीद केंद्र पर पहुँच गया। मित्र ने मुझे देखा, मुस्कुराए और फिर तौल की निगरानी में व्यस्त हो गए। मैं चुपचाप उन्हें निहारता रहा। थोड़ी देर बाद पास आए और मेरे हाथ में 8-10 मूँगफली रख कर बोले, आइए आपका वजन कराते हैं। मुझे ये बेतुका लगा, इसकी क्या ज़रूरत है सर? अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, सरकारी धर्म कांटा का फ़ायदा मेरे रहते मेरे मित्र नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? चलिए जल्दी से चप्पल उतार कर चढ़ जाइए। पल्लेदार और बाकी लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे थोड़ी सी झेप महसूस हुई। अरे जाने दीजिए ना सर, आप चिंता काहे कर रहे हैं महाराज, पैसा नहीं लगने देंगे आपका। मैं धर्म कांटे पर चढ़ गया। मित्र भुनभुनाए, 75 किलो 25 ग्राम, ऐसा करिए मूँगफली मुझे दे दीजिए, वज़न राउंड फिगर में आना चाहिए। तौल हो गई, आदत से मजबूर पल्लेदार तौल के बाद जिस तरह बोरा उठाकर किनारे लगा देते हैं, मुझे भी उठाकर सर के बगल में खड़ा कर दिया। सर कुछ लिखने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद मुझे एक कागज़ पकड़ाते हुए बोले, ये लीजिए मेरी ओर से सरकारी तोहफा, अब कहीं भी आपसे कोई आपका वजन पूछे तो मेरे हस्ताक्षर वाली रसीद उसके मुँह पर दे मारिएगा। मैं चुप रहा। जो मूँगफली थोड़ी देर पहले मुझसे ली गई थी उसे वो छील के खाते हुए बोले, मन तो था कि आपको चाय पिलाऊं, लेकिन आपका वज़न देखकर मुझे डर है कि कहीं आप मधुमेह के शिकार न हो जाइए। मैं अब भी चुप था। इसके बाद धान क्रय केंद्र पर बहुत देर तक तौल होती रही।
मित्र उठे, अब आगे का कार्यक्रम ये तो आप बताएंगे ना सर। बिल्कुल सही कहे सर, अब होटल में ठहराना तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। राजकुमार जी ने पहले ही धोखा दे दिया और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं चुपचाप उनका चेहरा देख रहा था। अचानक मित्र की आंखें चमक उठी। अभी 2 महीने पहले रंग रोगन हुआ है, अलावा की भी व्यवस्था है, शौचालय भी हये है। ऐसा करिए, आप इस बैलगाड़ी पर बैठ जाइए, ये आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। रेलवे स्टेशन? ऐसे मत चौंकिए, रात बिताने के लिए इससे बढ़िया और निशुल्क जगह पूरे शहर में दूसरी नहीं मिलेगी। सुबह होते ही मैं फिर आपको बुलवा लूँगा, फिर घूमा जाएगा शहर, दिखाएंगे आपको यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें। मित्र मुस्कुराते हुए बोले। बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी थी, मैं दौड़कर बैलगाड़ी पर चढ़ गया। मित्र मेरे पीछे आए, पैसे मत दीजिएगा इसको, मेरे रहते आपका पैसा खर्च हो जाए तो यह मेरे लिए शर्म से डूब मरने वाली स्थिति होगी। जी सर, मैं बैलगाड़ी पर सॉल ओढ़ते हुए बोला। मेरा दिया सर्टिफिकेट भी संभाल के रखे हैं ना? हाँ सर। और सुनिए, आज रात स्टेशन पर या इधर उधर का कुछ खाइएगा नहीं, आपने आज बहुत यात्रा की है, यात्रा के बाद कुछ देर खाली पेट रहना ठीक रहता है। सुबह राजकुमार जी के यहाँ नाश्ता किया जाएगा। जी सर, बेहतर है। बैलगाड़ी काफ़ी आगे निकल आई थी। मैंने गाड़ी वाले से पूछा, गोरखपुर के लिए ट्रेन कब है काका? 11 बजे बाबू। तो ज़रा तेज़ हाँको, मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। लेकिन कॉपरेटिव बाबू तो कल आपको इतिहास वाला कोई जगह दिखाने को बोल रहे थे ना, नहीं देखिएगा क्या? वो देखने के लिए रुका तो मैं खुद ऐतिहासिक हो जाऊंगा काका, तुम गाड़ी बढ़ा लो। गाड़ी वाला हंसा और बैल की पूंछ ऐंठ कर ललकारा, वाह बेटा चल। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।